ये येलो लाइट, ये ब्लू लाइट एंड ये व्हाइट लाइट। ये वाला ट्राइपॉड आपको दिखाती हूँ गाइस, ये जो ट्राइपॉड है इसको आपको खुला करना होगा, ऐसे खुलेगा और इसको फिर टाइट ऐसे करके ताकि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए उसके बाद। और अगर आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा ऐसे खुला। हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज मैं आपके सामने अमेजोन की तरफ से रिंग लाइट जो है वो अनबॉक्स करने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप मेरी तरह ही न्यू है, बिगिनर्स है, यूट्यूब चैनल आपने नए नए खोले हैं, तो आपको एक लाइटिंग के लिए एक अच्छा सा रिंग लाइट और एक ट्राईपॉड चाहिए होगा, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो ये पार्सल मुझे कल ही रिसीव हुआ है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं गाइस। तो मैंने ले ली है बड़ी सी कैंची, इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, अगर आप भी इंटरेस्टेड है इसको परचेज करने में, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो गाइस, मेरे ऑर्डर करने के 2 दिन बाद ही ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ और बहुत ही फास्ट डिलीवरी थी गाइस। और जैसे ही आप ओपन करते हैं बॉक्स, तो ये येलो कलर का आपको बॉक्स मिलेगा डिजिटेक की तरफ से, रिंग लाइट जो कि DRL2C है। मैंने ये अमेज़ॉन दिवाली सेल में 1599 में लिया था गाइस ये, और इस रेंज में हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ठीक है। और ये जैसे आप ओपन करेंगे एक ट्राईपॉड मिलेगा और उसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स होगा जिसमें कि रिंग लाइट मिलेगा। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ गाइस के अंदर से ये कैसा है। पैकेजिंग तो मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी तरीके से आई थी। बाकी रिव्यूज़ में मैंने देखा था कि किसी का अच्छा नहीं आया, किसी का टूटा फूटा निकला, पर मेरी फॉर्चुनेटली मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे से आया था, अच्छे कंडीशन में आया था। तो आपको इसके साथ मोबाइल होल्डर एक मिलता है जो कि 360 डिग्री आप इसको रोटेट कर सकते हैं, और ग्रिप इसकी अच्छी है गाइस। इसको आपको खुद से एडजस्ट करके टाइट कर लेना है। और ये ट्राईपॉड आपको खोल के दिखाती हूँ गाइस, इसमें एक नॉट मिलता है जो कि आपको ढीला करके इसको खोल लेना है अच्छे से, और तब आप इसका ये स्टैंड आप खोल सकेंगे और उसके बाद टाइट कर लेना है ग्रिप के लिए, अच्छी ग्रिप के लिए। और भी अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप उसको नॉट को ढीला करके ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर उसको वापस से टाइट कर देना है ताकि ये स्टेबल रहे। और नीचे रबर का ग्रिप आपको मिलेगा और ये आपको क्लिप्स, बहुत सारे क्लिप्स आपको मिलेंगी। जैसे देखो ये आपको खोलना है, ये चीज़ आपको खोलनी है, फिर आप जैसे ही उसको खोलेंगे तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर उसको वापस से लगा देना है ताकि वो उसकी ग्रिप अच्छी बनी रहे। और ये बहुत लंबी हो जाती है गाइस, मेरी हाइट है 5'6", तो ये मेरे हाइट से थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, थोड़ा ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। और मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसकी हाइट कम कर लेती हूँ। और ये देखो गाइस, ये पैकेजिंग में ऐसा आपको टेढ़ा आएगा, ये जो चीज़ है वो आपको सीधी कर लेनी है ताकि आप रिंग लाइट को अच्छे से सेटअप कर पाए, अच्छे से लगा पाए। तो आपको इसको, ये टेढ़ा रहता है तो इसको आपको सीधा कर लेना है गाइस ऐसे, और इसको स्टेबल हो जाए ताकि वो ऐसे कर लेना है। मैं आपको थोड़ा लो में करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये गाइस, इसमें ऐसा आपको मिलेगा, तो आपको इसको सीधा कर लेना है। तो गाइस, इग्नोर माय बैकग्राउंड साउंड, और आपको ऐसे घुमा के इसको अच्छी तरह से फिट कर लेना है खुद से। और इसके साथ जो है मैनुअल नहीं मिलता है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से आपको खुद से इसको करना पड़ता है। अगर मैनुअल देता तो अच्छे से आप समझ पाते, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे इसको करना है फिट। और ये जो है वो 360 डिग्री रोटेट हो सकता है गाइस। और गाइस, ट्राइपॉड बहुत ही अच्छा है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। और गाइस, ये मेरे हाइट तक भी ऊंचा हो जाता है, ये 5 फीट तक ऊंचा हो सकता है। इसकी हाइट बहुत अच्छी है गाइस, अगर आप लंबे हैं, अगर आपको खड़े होकर वीडियो बनाना है या फिर कोई शूट वगैरह करना है तो आप इससे कर सकते हैं गाइस। और इसका जो स्टैंड है, स्टैंड में ये जो रबर है वो रबर बेस है, ठीक है। तो ये बहुत ही इसकी अच्छी ग्रिप बन जाती है, टाइल्स में हो या फर्श में हो, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर इस रेंज में बहुत ही ज्यादा मस्त है ये, और मैं आपको इसको ऑन करके दिखाती हूँ। इसके बहुत सारे मोड्स है, पर एक ही चीज इसमें है कि इसमें अडेप्टर नहीं मिला है, ठीक है। तो ये USB बेस्ड है गाइस, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए, तो गाइस आई होप आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं लंबा कर लेती हूँ।
मैंने यहाँ पे अडेप्टर लगा दिया है और आपको यहाँ से ऑन कर रहा है, यहाँ पे ब्लू लाइट जल जाएगी। ये देखिए गाइस, ये ब्लू लाइट है और दिन में ही इसकी लाइट बहुत है, तो रात में भी आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, रात में तो और भी ज्यादा इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है। दिन में ही आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन इसकी लाइटिंग है। और ये डिम में ऐसे कर सकते हैं, इसमें माइनस का बटन दबाने से लाइट डिम होगा और ये प्लस में। और अगर दूसरा चाहे ये येलो लाइट, ब्लू लाइट, व्हाइट लाइट, येलो एंड ब्लू। ओके तो गाइस बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट। तो गाइस अगर आप भी मेरी तरह बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल ये वाला ले सकते हैं इतने रेंज में, 1599 में अगर ये अमेजोन से मैंने लिया है, और इतने रेंज में बहुत ही अच्छा है इसका। आपको अलग से ट्राईपॉड नहीं खरीदना है, अलग से आपको रिंग लाइट नहीं खरीदना है, सब सेपरेटली नहीं खरीदना है, एक ही साथ ये आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा है। अगर ये इसमें अडेप्टर भी दिया होता तो और भी ज्यादा मस्त हो जाता, सोने पे सुहागा हो जाता, पर मैं तो इसको सबको रेकमेंड करूंगी और बहुत ही अच्छा। और ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस ऐसे अनबॉक्स करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप भी, आपका भी अगर मन है कि मैं यूट्यूब खोलूंगी या आऊंगी ये रील वगैरह बनाऊंगी, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको रूम में पास से आपको दिखाती हूँ गाइस। जैसे ही आप अडेप्टर से इसको ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट जलेगा जो कि पावर बटन होगा, और उसको ऑन करने से ये लाइट जल जाएगा। इसमें मुश्किल से चार बटन है जो कि थ्री मोड्स आपको मिलेंगे, एक ब्लू, येलो और वाइट। तो प्लस बटन जैसे करेंगे तो और ज़्यादा ब्राइट होता रहेगा, और माइनस बटन दबाने से आपका ये कम होता रहेगा, लाइट थोड़ा डिम हो जाएगा। तो जितना आपको लाइटिंग चाहिए अपने हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रील वीडियो या यूट्यूब वीडियो आप अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसमें अपने फ़ोन को रख के या कैमरे को रख के आप इसको बना सकते हैं। और ये जो मोबाइल अडेप्टर है वो भी एडजस्टेबल है, तो लाइटिंग ऐसे दिख जाएगी आपको। और ये है व्हाइट लाइट, ये है येलो लाइट, ये है ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट में कैसे है, और मैं ये प्लस में करके दिखाती हूँ, ये पूरी फुल लाइट है और थोड़ा डिम करती हूँ ऐसे, आपको फर्क पता चल रहा है गाइस। देखो मैं माइनस में कर रही हूँ, डिम कर रही हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम करने में ऐसा हो जाता है, फिर प्लस में करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।